हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी चैनल पर। और आज की वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं लीगल नोटिस क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम लीगल नोटिस के बारे में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लीगल नोटिस बेसिकली होता क्या है? लीगल नोटिस एक ऐसा नोटिस होता है जो वकील द्वारा दूसरे विपक्षी पक्ष को दिया जाता है। जब कोई पर्सन कोर्ट के द्वारा कोई कंप्लेंट फाइल कराता है तो वह सबसे पहले अपने किसी एडवोकेट को हायर करते हैं और एडवोकेट के थ्रू वह अपनी कंप्लेंट फाइल कराते हैं। तो जब कंप्लेंट फाइल होती है तो उसमें सबसे पहले अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में कोई लीगली कार्रवाई, कोई लीगली केस फाइल होता है तो उससे पहले उसको एक लीगली नोटिस दिया जाता है। उस लीगली नोटिस का जो पर्पज होता है वो उस सामने वाले जो अपोजिशन पार्टी है उसको इन्फॉर्मेशन देना होता है। और साथ ही उसके पास में एक ऑप्शन और भी होता है कि लीगल नोटिस के जो टाइम पीरियड दिया गया है उसके टाइम पीरियड के अंतर्गत ही अगर वह चाहे तो वह उसको सेटलमेंट कर सकता है। जो उसका जो भी इशू है, मान लो लेन देन का इशू है या कुछ भी इशू है, तो जिससे रिलेटेड वो लीगल इशू दिया जाता है वह दोनों पार्टी आपस में मिलकर सेटलमेंट कर सकते हैं। तो वहीं पर उनकी कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी और उनको आगे कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। परंतु अगर लीगल नोटिस जाने के बाद भी वह कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है या फिर वह उधर से भी रिस्पॉन्स में लीगल नोटिस दे देते हैं तो फिर ये कार्रवाई आगे को चलती चली जाती है कोर्ट में। फिर स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई चलती चली जाती है, फिर वहाँ पे कोर्ट में ये केस फाइल हो जाता है। और फिर इस केस की पैरवी जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है, हर केस की अलग अलग होती है। तो बेसिकली लीगल नोटिस सबसे पहले स्टार्टिंग में दिया जाता है जब कोई भी केस फाइल किया जाता है। तो आई होप आज की वीडियो में जो नॉलेज दी गई है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें।